पंजाब में कांग्रेस अपने ही नेताओं को लेकर दुविधा में है। पंजाब में उसके सामने तीन चैलेंज है। पहला, कैप्टन और सिद्धू के बीच छिड़ी जंग। दूसरा, पंजाब में अकाली और बीएसपी के गठबंधन से निपटना। और तीसरा, पंजाब की दलित पॉलिटिक्स में खुद को अव्वल रखना। इसी को लेकर कैप्टन को आज दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कैप्टन से बात शुरू हुई तो वो सीधे सिद्धू पर बरसे। और तो और, राहुल गांधी भी सिद्धू से नाराज दिखे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में पेशी क्यों हुई? कैप्टन और सिद्धू की जंग का क्या हल निकला? राहुल गांधी को सिद्धू की कौन सी बात बुरी लग गई? क्या कैप्टन और सिद्धू के बीच रात थम जाएगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं सिद्धू? पंजाब में कांग्रेस की कलह कैसे खत्म होगी, इसके लिए माथापच्ची दिल्ली तक में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव को खत्म करने के लिए कैप्टन को दिल्ली बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या हुआ, कैप्टन ने कौन सी सफाई पेश की, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पंजाब कांग्रेस में कलह के तीन बड़े कारण क्या है, जिसकी वजह से दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पहला, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। दूसरा, दो विधायकों के बेटों को नौकरी देने से दोनों के बीच कलह बढ़ी है। तीसरा, सिद्धू के बयानबाजी के बाद विरोधी गुट के नेता एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में दिए गए सिद्धू के बयान दिल्ली में आलाकमान को भी चुभ रहे हैं। जैसे ही कैप्टन दिल्ली आए, राहुल गांधी और कमेटी दोनों ने एक ही बात कही कि वो सिद्धू के उस बयान से खुश नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो परिवार पंजाब में फायदा उठा रहे हैं। कमेटी और हाईकमान दोनों का कहना था कि सिद्धू को ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देने चाहिए थे। कांग्रेस इस बात को लेकर घबराई हुई है कि 2022 के चुनावों में सिद्धू और कैप्टन की जंग के चक्कर में विरोधी बाजी मार कर ना ले जाएं, क्योंकि पंजाब में अकाली और बीएसपी गठबंधन कर चुके हैं। और इसी रणनीति के लिए कैप्टन को कमेटी के सामने पेश किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तीन सदस्यीय कमेटी के सामने 90 मिनट तक पेशी हुई, लेकिन कैप्टन के सुर सीधे सिद्धू के खिलाफ थे। तीन सदस्यीय पैनल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ना ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। सीएम कैप्टन ने कमेटी से साफ तौर पर कहा कि मैं तो सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहता हूं, और आप उसी महत्वपूर्ण पद देकर मेरे साथ बिठाने की बात कर रहे हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दरार को पाटने के लिए पार्टी आलाकमान लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। समिति ने पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद पैनल के सदस्यों ने सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि आगामी बैठक का उद्देश्य तमाम मुद्दों के संबंध में उन पर सहमति का समाधान खोजना है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले शोपीस नहीं है। इससे पहले सिद्धू ने कहा था कि बार बार कहने पर भी जब सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनको सिस्टम से हटना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस के सामने पंजाब में चुनौतियां बड़ी हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए, इसी पर बार बार मंथन चल रहा है। आज तक ब्यूरो। अब नुसरत जहां की शादी को लेकर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है और सांसद नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा ने इसके पीछे कौन सी दलील दी है, आइए आपको दिखाते हैं। आप
আমি নুসরত জাহান রুহি জেন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। পশ্চিম বঙ্গাল সে সাংসদ ও টিএমসি কি নেতা নুসরত জাহান কি শাদি কা মামলা আব লোকসভা তক পৌঁছ গিয়া হ্যায়। बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा मौर्य का कहना है कि नुसरत जहां का आचरण अमर्यादित है, शादी के मसले पर अपने वोटर्स को धोखे में रखा है, साथ ही इससे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है। मैं पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूं, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसे अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सके, अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ होनी चाहिए। आमीन। सोशल मीडिया पर डॉल जैसे दिखने वाले केक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। डॉल ने हरे रंग के खूबसूरत पारंपरिक भारतीय कपड़े पहन रखे हैं। लोग इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि ये केक किसी इंडियन बेकर ने बनाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय केक मेकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। देखिए क्या है सच्चाई। एक प्यारी सी डॉल के डिजाइन वाले केक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो के बैकग्राउंड में एक बॉलीवुड गाना बज रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग दावा कर रहे हैं कि ये केक किसी हिंदुस्तानी बेकर ने बनाया है और इसे एक अंतरराष्ट्रीय केक मेकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। इंडिया टुडे की एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। इनमेक टूल की मदद से सर्च करने पर हमें ये वायरल वीडियो इनक्रेडिबल इंडिया केक मैगजीन नाम के एक फेसबुक पेज पर मिला। यहाँ इस वीडियो के बैकग्राउंड में किसी गाने की आवाज नहीं है। ये वीडियो कुपेला MWS नाम के एक फेसबुक अकाउंट से 1 मई को पोस्ट किया गया था, जिसे इनक्रेडिबल इंडिया केक मैगजीन ने अपने पेज पर शेयर किया था। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने इनक्रेडिबल इंडिया केक मैगजीन की फाउंडर टीना स्कॉट पाराशर से संपर्क किया। हरियाणा की रहने वाली टीना ने दिल्ली से पढ़ाई की और फिलहाल वो दुबई में रहती। टीना ने वीडियो के साथ किए जा रहे दावे का खंडन करते हुए हमें बताया कि ये केक सिंगापुर की एक केक आर्टिस्ट कैथरीन कुपेला ने बनाया है। दरअसल टीना ने अप्रैल 2021 में अपनी मैगजीन इनक्रेडिबल इंडिया केक मैगजीन के कवर पेज के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में दुनिया के 150 से ज्यादा केक आर्टिस्ट ने भाग लिया था। प्रतियोगिता की थीम थी इनक्रेडिबल इंडिया। वायरल वीडियो में दिख रहा केक उसी प्रतियोगिता का हिस्सा है, जिसे सिंगापुर की केक आर्टिस्ट कैथरीन कुपेला ने बनाया था। कैथरीन इस प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट थी और उनके इस केक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। कैथरीन कुपेला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें वायरल वीडियो में दिख रहे केक की बहुत सी तस्वीरें मिली, जिन्हें उन्होंने 28 अप्रैल को पोस्ट किया था। कैथरीन ने अपने पोस्ट में टीना स्कॉट पाराशर को टैग करते हुए लिखा था कि अतुल्य भारत प्रतियोगिता के लिए मेरा योगदान, ये अवसर मुझे देने के लिए शुक्रिया। हमारी पड़ताल से ये बात साफ हो जाती है कि ये केक किसी हिंदुस्तानी बेकर ने नहीं बल्कि सिंगापुर की एक केक आर्टिस्ट ने बनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकी हमले में एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक के हाथ लगी है। आतंकियों ने मस्जिद जाते समय इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोलियों से भून डाला और ये तस्वीरें हमारे पास है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर परवेज सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से दो आतंकी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर परवेज दम तोड़ देते हैं। घटना कल रात 8 बजे की है। श्रीनगर के बड़े पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आतंकियों की तलाश में जुट गई है। हमारे संवाददाता अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, जानना चाहेंगे 8 बजे की यह घटना है
और भी लोग होंगे आसपास, किसी ने कुछ देखा और तस्वीर, चूंकि एक्सक्लूसिव तस्वीर सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल श्वेता, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम और आतंकी हमले के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती तब तक जब तक कि सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई। यही सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि और भी कुछ सीसीटीवी फुटेज जम्मू कश्मीर पुलिस खंगाल रही है और सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही है, जिनमें साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये घात लगाकर हमला था। जो ही ये पुलिस अफसर मस्जिद ड्यूटी के बाद घर आया था, उसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था और मस्जिद से निकलते ही ताक में बैठे थे दो हमलावर, जो जो ही वो वहां से निकलता है सड़क पार करके घर की ओर जाने की कोशिश करता है तो पीछे से उस पर पहले एक आतंकी तीन गोलियां चलाता है, फिर दूसरा पास से आके दो और पिस्टल से फायर करता है और जिसमें वो वहीं पर जो है नीचे गिरता है। उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ा। उसके बाद फिलहाल जो है पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी कल रात से ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, जिसमें पुलिस सीआरपीएफ सेना शामिल है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर बहुत जल्द इन हमलावरों को दर्दपोषा जाएगा। बिल्कुल, क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? हाँ बिल्कुल, जो टीआरएफ है जो जिसको लश्कर का दूसरा नाम बताया जा रहा है उसी संगठन ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है तुरंत उस हमले के बाद। और अभी पुलिस को भी शक है कि टीआरएफ जो कि तीन जो प्रमुख कमांडर है सोनपुर में तीन दिन पहले एक मुठभेड़ में मारे गए थे, उनकी ही तरफ से ये हमला हुआ है कनीपुरा इलाके में जो श्रीनगर के पास पड़ता है, जिसमें इस पुलिस अफसर की जान ली। बिल्कुल, और अशरफ ये जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं यहाँ पर आसपास कोई भी नजर नहीं दिखा आ रहा है, सिर्फ इंस्पेक्टर परवेज जाते हुए दिख रहे हैं और अचानक से पीछे से आतंकी आते हैं, ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान्ड वे में उन्हें पता था इतने बजे ही ये निकलेंगे यहाँ से, इस सड़क से, इस मार्ग से, और घात लगाकर ये बैठे थे और हमला किया इन्होंने। श्वेता दरअसल अगर देखेंगे तो ये जो मोटस ऑपरेंडी होता है, जो भी आतंकी घटना होती है हमला होता है उसके लिए रैकी पहले करते हैं आतंकी संगठन के, इसको टारगेट किलिंग कहा जाता है आतंकवाद में, जहां पर किसी शख्स की मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, उसमें लूप होल देखे जाते हैं कि कहां पर सुरक्षा में कमजोरी है जहां पर उस पर हमला किया जाता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि शाम का समय था, कोई चहल पहल आस पास नहीं थी, रिहायशी इलाका है, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी के आसपास तैनात भी नहीं है और जैसे मैंने आपको कहा कि ये मस्जिद में नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था जब ताक में बैठे थे ये हमलावर और जो ही वो बाहर निकले सड़क क्रॉस करके घर के ओर बढ़ रहे थे तभी उन पर ये आतंकी हमला हुआ। अब पुलिस को इस बात इस तरह की पहली घटना कश्मीर में नहीं हुई, इससे पहले भी जितने भी पुलिस अफसरों को या सुरक्षा कर्मियों को मारा गया है उनके घर के भीतर या जब वो छुट्टी पर थे तो इसके लिए प्रावधान बनाए कश्मीर सरकार ने, लेकिन अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मिला जिसके बाद ये क्लियर हो पाया, ये साफ हो पाया कि किस तरह से दो आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज की हत्या की है। रुक करेंगे अगली खबर का, आपको बता दें कि भारत में बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर पहला बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान है एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों का कोवैक्सीन टीका सितंबर तक आ सकता है, इसके अलावा फाइजर के टीके को भारत में मंजूरी मिलने की संभावना की वजह से बच्चों के टीके का विकल्प और पहले भी मिल सकता है। भारत में बच्चों का कोरोना टीका कब आएगा? आपके मन में अगर ये सवाल कौंध रहा है तो आज तक पर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुन लीजिए। भारत के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों के टीके की तारीख बता दी है। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोवैक्सीन का बच्चों के कोरोना टीके की टाइमलाइन साझा की है। मेड इन इंडिया कोवैक्सीन का बच्चों का कोरोना टीका सितंबर में आने की उम्मीद है। So vaccine trials in India are already going on. Bharat Biotech is already doing the trials and one is hopeful that the results will be out quickly. I think by September the data should be out and we should be able to have the regulatory approvals by then.
बच्चों के टीके का ट्रायल करने के लिए एम्स में स्क्रीनिंग 7 जून से शुरू हुई थी। 2 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं। एक ओर बच्चों के लिए कोवैक्सीन के देसी टीके पर तेजी से काम चल रहा है, तो दूसरी ओर अगर फाइजर और बायोएनटेक के टीके को भारत में मंजूरी मिलती है तो बच्चों के लिए ये टीका भी एक विकल्प के तौर पर जल्द ही मिल सकता है। Pfizer has already got FDA approval for their vaccine, and if Pfizer also comes in to our country, and since we may accept the FDA approval which has been given by the US regulators, as far as India is concerned, we could also look at that vaccine being available for children. बच्चों के कोरोना टीके को लेकर पूरे भारत की नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि पहली और दूसरी लहर में कुल प्रभावित होने वाले लोगों में 12% 20 साल से छोटे बच्चे हैं। हालांकि हाल ही में एम्स WHO की सीरो स्टडी इस आशंका को खारिज कर रही है कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार 12 से 18 साल के आयु वर्ग की कम से 80% आबादी को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए कम से 21 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीनेशन ड्राइव इस समय भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बच्चे वल्नरेबल हैं क्योंकि वो इस समय टीकाकरण में इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। सितंबर के बाद वैक्सीन आने की खबर रीअश्योरिंग है क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करें और स्कूल्स कैसे खोलें इसके बारे में भी प्लानिंग शुरुआत कर दें। सिंहा मुर्दानी, आज तक। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार जरूर पकड़ ली है, लेकिन किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, जिसको लेकर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में इसी साल तीसरी लहर को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन इसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। IIT कानपुर के रिसर्च में तीसरी लहर को लेकर जो बातें कही गई है वो अनुमान कम और दूसरी लहर के सबक ज्यादा है। बढ़ते अनलॉक के बीच अगर ये तस्वीरें नहीं बदली तो जल्द वही लॉकडाउन वाली पुरानी स्थिति लौटेगी। चाहे तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए और मोहर लगवा लीजिए IIT कानपुर की, जिसके वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर पर रिसर्च करके बता दिया है तीसरी लहर आने की पूरी पूरी गारंटी है। ये तीसरी लहर 4 हफ्ते में आ सकती है और 4 महीने में भी। हमने ये ज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है, सब जगह जहाँ के जैसे भी बंद है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका जो कि अभी बंद है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो हम मान के चलते कि मान लीजिए सब जगह खुल गया 15 जुलाई को, तो आपके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे और आप, हम ये मानते हैं कि सिचुएशन वैसी है जैसे कि जनवरी में थी शुरू में, तो उस हिसाब से अगर हम सेम अगर हम उसी बीमारी को उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था, तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। IIT कानपुर की रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें माना गया है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति ये होगी कि सितंबर में तीसरी लहर आएगी, अक्टूबर में लहर पीक पर होगी लेकिन दूसरी लहर की तुलना में ये कम होगी। दूसरी स्थिति ये होगी कि अगस्त में ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी और इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। और तीसरी स्थिति ये होगी कि तीसरी लहर अक्टूबर से असर दिखाएगी और नवंबर तक इसका पीक आएगा, लेकिन ये पीक दूसरी लहर से कम होगा। दूसरी लहर के गणितीय अनुमान के आधार पर तीसरी लहर का ये अनुमान IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने तैयार किया है, प्रोफेसर राजेश रंजन उसमें से एक हैं। वायरस म्यूटेट हो गया तो उसका रिप्रोडक्शन नंबर अधिक हो चुका है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है। और तीसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, तो उसमें एक तीसरी सिचुएशन बनती है और वो काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये जो डेट है पीक का वो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के करीब चला जाता है। स्टडी का सार ये निकलता है कि तीसरी लहर कब आएगी
ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। स्टडी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को नजरअंदाज किया तो तीसरी लहर में रोजाना 3 लाख तक केस आएंगे। तीसरी लहर बदले हुए म्यूटेंट वेरिएंट के साथ आती है और लोग सावधानी नहीं बरतते तो 4 लाख केस तक रोज आ सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतते हैं और बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर का पीक रोजाना 2 लाख से कम केस पर रुक सकता है। जाहिर है ये समाज और सरकार दोनों पर निर्भर करता है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितना नुकसान पहुंचाएगी। आज राहुल गांधी ने तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो, जो नीडलेस डेथ है। ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। अब वक्त है किसी भी तरह की राजनीति में पड़े बिना एकजुट होकर कोरोना को हराने का, कोरोना से सुरक्षा का टीका लगवाने का। जानकारों का कहना है कि तीसरी लहर अगर देर से आएगी उतना ही ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का मौका मिल जाएगा और जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तीसरी लहर में उतना ही कम नुकसान होगा। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5-6 महीने बहुत मेहनत करनी है अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और जिंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। तीसरी लहर कब आएगी और रोजाना कितने केस आएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। आईआईटी कानपुर की स्टडी से ये तो पता चलता है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब आएगी ये हम पर निर्भर करता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार हाथों को धोना और अब भारत के पास वैक्सीन का हथियार भी है। एक डोज और दूसरी डोज भी लगाना बहुत जरूरी है। अशोक भनोट के साथ मैं मिलन शर्मा आज तक।